हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई कुल टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप अपने चैनल आईटीआई कुल टेक्निकल चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 27 अगस्त 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल की लिंक में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर उसे डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में सुजलम अभियान किसने प्रारंभ किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने सुजलम अभियान प्रारंभ किया है। जल शक्ति मंत्रालय ने ग्राम स्तर पर अपशिष्ट जल प्रबंधन के कार्य हेतु अधिक से अधिक खुले में शौच मुक्त ओपन डेफिकेशन फ्री यानी ODF प्लस गांव को बनाने के लिए सुजलम नामक एक 100 दिनों का अभियान प्रारंभ किया। और यह अभियान अपशिष्ट जल के प्रबंधन में मदद करेगा और बदले में 10 लाख सोक पीट के निर्माण और अन्य ग्रेवाटर प्रबंधन गतिविधियों के माध्यम से जल निकायों को पुनर्जीवित करने में मदद करेगा। 25 अगस्त 2021 को शुरू हुआ यह अभियान आज़ादी के अमृत महोत्सव समारोह का यह हिस्सा है। और सुजलम अभियान के 3 फोकस क्षेत्र हैं, कौन कौन से हैं? 1 मिलियन सोक गड्ढों का निर्माण करना, शौचालयों को रिट्रोफिटिंग और नए घरों में शौचालय की सुविधा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में समृद्ध कार्यक्रम किसने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आईटी मंत्रालय। आईटी मंत्रालय ने समृद्ध कार्यक्रम प्रारंभ किया है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर्स के मिट्टी के लिए प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कार्यक्रम समृद्धि लॉन्च किया और कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री MIITY श्री अश्विनी वैष्णव ने किया है। किसने किया है? अश्विनी वैष्णव ने किया है। समृद्धि कार्यक्रम का उद्देश्य है भारतीय सॉफ्टवेयर उत्पाद स्टार्टअप को अपने उत्पादों को बढ़ाना और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए निवेश हासिल करने के लिए एक अनुकूल मंच बनाना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग और किसने संयुक्त रूप से फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, WRA के साथ मिलकर यह लॉन्च किया है। नीति आयोग और वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI ने भारत ने संयुक्त रूप से भारत में फोरम फॉर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट लॉन्च किया है और नीति आयोग भारत के लिए कार्यान्वयन भागीदार है। परियोजना का उद्देश्य एशिया में JHG उत्सर्जन परिवहन क्षेत्र चरम स्तर को नीचे लाना है और 2 डिग्री से नीचे के रास्ते को अनुरूप करना है और वायु प्रदूषण जैसी समस्या से निपटने के लिए प्रारंभ किया है। नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष होते प्रधानमंत्री, जो इस समय पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के CEO हैं अमिताभ कांत जी और विश्व संसाधन संस्थान का मुख्यालय है Washington DC संयुक्त राज्य अमेरिका में और विश्व संसाधन संस्थान के संस्थापक है जेम्स गुस्तावे स्पेथ और इसकी स्थापना की गई थी 1982 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में EIU के सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर कौन है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। इसमें शीर्ष पर है कोपेनहेगन। क्या है? कोपेनहेगन। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी सेफ सिटीज इंडेक्स 2021 में डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन को 60 वैश्विक शहरों में से दुनिया के सबसे सुरक्षित शहर के रूप में नामित किया गया और EIU के द्विवार्षिक सूचकांक के 4th संस्करण में शीर्ष पर पहुंचने के लिए कोपेनहेगन ने 100 में से 82.4 अंक
हासिल किए जो शहरी सुरक्षा के स्तर को मापता है और यांगून 39.5 स्कोर के साथ सबसे कम सुरक्षित शहर के रूप में सूचकांक में सबसे नीचे स्थान पर है। और इस इंडेक्स में नई दिल्ली और मुंबई को जगह मिली है। नई दिल्ली 56.1 के साथ स्कोर के साथ 48वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 54.4 स्कोर के साथ में 50वें स्थान पर है। इसमें टॉप 5 शहर देख लेते तो कोपेनहेगन पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर है टोरंटो, तीसरे पर है सिंगापुर, चौथे पर है सिडनी, पाँचवें पर है टोक्यो और छठवें पर है एम्स्टर्डम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, और इन्होंने इन अंकों को 4 भागों में भाग दिया है। 0 से 25 जो जिस शहर ने अंक प्राप्त किए वह कम सुरक्षित है यानी कि सबसे कम सुरक्षित है, और 25.1 से 50 के बीच में मध्यम सुरक्षा, और 50.1 से 75 के बीच में उच्च सुरक्षा, और 75.1 से 100 के मध्य में बहुत उच्च सुरक्षा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभय कुमार सिंह। अभय कुमार सिंह को इसमें संयुक्त सचिव नियुक्त किया है, यही है अभय कुमार जी। अभय कुमार सिंह को सहकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया, और इस मंत्रालय का गठन हाल ही में देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के उद्देश्य से किया गया था, और अभय कुमार सिंह की नियुक्ति को पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट में नियुक्ति की समिति ने मंजूरी दी है, और प्रेजेंट टाइम पर केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी, और बिहार कैडर के 2004 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी है यह, और यह नवनिर्मित पद पर 7 साल के संयुक्त कार्यकाल के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान ने भारत के निकासी मिशन को क्या नाम दिया है, मतलब अफगानिस्तान से जिन भारतीयों को या जिन भी लोगों को निकाला जा रहा है भारत के निवास या भारतीय जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें निकालने के लिए जो मिशन प्रारंभ किया गया है उस मिशन का नाम क्या दिया है। तो उस मिशन का नाम दिया गया ऑप्शन नंबर बी, ऑपरेशन देवी शक्ति। क्या है? ऑपरेशन देवी शक्ति। विदेश मंत्रालय ने युद्धग्रस्त अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के भारत के जटिल मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति के नाम दिया है, और ऑपरेशन का नाम तब पता चला है जब विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 अगस्त को दिल्ली में 78 लोगों को एक नए जत्थे के आने के जिक्र करते हुए एक ट्वीट में इसका जिक्र किया था। तालिबान के द्वारा अफगान राजधानी शहर पर कब्जा करने के एक दिन बाद भारत ने 16 अगस्त को काबुल से दिल्ली में 40 भारतीयों को एयरलिफ्ट करके जटिल निकासी मिशन शुरू किया, और काबुल में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और विभिन्न देशों के द्वारा अपने नागरिकों को बचाने के लिए हाथापाई के बीच अब तक भारत ने 800 से अधिक लोगों को निकाला है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WAU20 चैंपियनशिप्स में सैली सिंह ने लॉन्ग जंप में कौन सा पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, इन्होंने रजत या सिल्वर मेडल जीता है, यही है सैली सिंह। सैली सिंह ने विश्व एथलेटिक्स U20 चैंपियनशिप में महिलाओं की लंबी कूद लॉन्ग जंप में रजत पदक का दावा किया, और 6.59 मीटर का उनका मामूली पवन सहायता प्रयास स्वीडन के माजा अस्काग द्वारा स्वर्ण पदक की छलांग से सिर्फ 1 सेंटीमीटर कम था, लेकिन उनके रजत पदक ने सुनिश्चित किया कि भारतीय एथलेटिक्स अपनी प्रगति का प्रदर्शन जारी रखेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 11वीं ब्रिक्स NSA वर्चुअल मीटिंग की अध्यक्षता किसने की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, अजीत डोभाल। अजीत डोभाल जी ने अभी इसकी अध्यक्षता की है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जिम्मेदार ब्रिक्स उच्च प्रतिनिधियों की 11वीं बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई, और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया अजीत डोभाल जी ने बैठक की मेज़बानी की।
की क्योंकि भारत 2021 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है और 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन सितंबर 2021 में होने वाला है, जो NSA की ब्रिक्स बैठक के 5 देशों को राजनीतिक सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए एक मंच है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला हरित हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री किसने लॉन्च किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ओहमियम। ओहमियम ने यह लॉन्च किया है। अमेरिका स्थित ओहमियम इंटरनेशनल ने बेंगलुरु कर्नाटक में भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर निर्माण इकाई शुरू की है और कारखाना भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगा और ग्रीन हाइड्रोजन को गैर जीवाश्म स्रोतों में बनाया जाता है और जबकि नीले हाइड्रोजन को जीवाश्म स्रोतों से बनाया जाता है। भारत में हरित हाइड्रोजन बनाने से आयात में कमी होगी और गीगा फैक्ट्री भारत में निर्मित प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स का निर्माण करेगी, जिसकी प्रारंभिक विनिर्माण क्षमता लगभग 500 मेगावाट प्रति वर्ष होगी और इसे प्रति वर्ष 2 गीगावाट तक बढ़ाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में SS हकीम का निधन हुआ, वह कौन थे? तो वह एक कोच थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। यही थे SS हकीम, जिनका भी निधन हुआ है। भारत के पूर्व फुटबॉलर और 1960 के रोम ओलंपिक में खेलने वाली अंतिम राष्ट्रीय टीम के सदस्य सैयद शाहिद हकीम का निधन हो गया और 82 वर्ष के हकीम साहब से लोकप्रिय थे और भारतीय फुटबॉल के साथ अपने 5 दशक से अधिक के जुड़ाव में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता और हकीम दिल्ली में 1982 में एशियाई खेलों के दौरान स्वर्गीय PK बनर्जी के सहायक कोच भी रहे और उन्हें ध्यानचंद पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप अपने चैनल ITI पॉलिटेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, और सब्सक्राइब कर लिया तो बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।